पनवाड़ी थाना क्षेत्र के सीओडी तिहारे के पास नशेबाजी कर रहे दबंगों ने बात अनसुनी करने पर जेसीबी ऑपरेटर को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जेसीबी के मालिक ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। महोबा के गांधीनगर निवासी राघवेंद्र ने तहरीर देते हुए कहा कि उनकी जेसीबी पर मप्र के छतरपुर लवकुश नगर के देवनगर निवासी पैसनी पाल ऑपरेटर था। रविवार को जेसीबी सीओडी तिहारे पर संचालित कमलेंद्र शर्मा के बालू डब पर काम के लिए खड़ी थी। देर रात हमीरपुर गढ़ मोदहा निवासी शानू व सलमान वहां बैठकर शराब पी रहे थे। शानू ने ऑपरेटर पैसनी को बुलाकर एक खेत में ट्रक फंसे होने और निकालने के अवज में 2,000 रुपए मिलने पर 1,000 रुपए बांट लेने को कहा। उनकी इस बात को पैसनी ने अनसुना कर दिया। इससे नाराज शानू ने गालियां देते हुए कट्टा निकालकर फायर कर दिया। गोली पैसनी के पेट में लगी और वह गिर गया। इसके बाद आरोपित फरार हो गए। घटना स्थल से कुछ ही दूर पर मौजूद मोदा निवासी अजहर कार से पैसनी को हमीरपुर के राठ स्थित अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शानू और सलमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। नाम जो है वैष्णी बताया है, वैष्णी के नाम से उसको जानते हैं। इसके पिताजी का नाम नहीं पता और ये पक्का नहीं बता रहे कि शायद महोबा का रहने वाला है। महोबा में शहर में किसी का क्या एक्चुअल एड्रेस इतना पता नहीं है। शनाख्त नहीं हो पाई। ये लोग तो बता रहे हैं जो लोग लेके आए हैं कि साहब इसका नाम ये है और ये यहाँ का रहने वाला है और जिसकी जेसीबी मशीन चलाता है। कितने घंटे हो गए? कितना समय हो गया? तो फ्रेश है ये। क्या कल फोन मार दिया?